हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद शर्मिष्ठा। आज मैं आपके साथ एक हेल्दी डिश शेयर करूंगी, वो है स्प्राउट्स की सब्ज़ी। नॉर्मली स्प्राउट्स हम सलाद में खाते हैं, लेकिन इसका सब्ज़ी भी अगर आप बनाएंगे तो वो भी बहुत टेस्टी रहता है। आप रोटी, पराठा, नान किसी के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। मैं आज स्प्राउट्स में लिया है मूंग, येलो मटर और कले चने। आप इसमें मटकी या कबूली चने या फिर ग्रीन मटर कुछ भी या फिर राजमा कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आज इसे प्रेशर कुकर में बना रही हूँ एकदम सिंपल तरीके से, ताकि ये जल्दी बन जाए। अगर आप प्रेशर कुकर में नहीं बनाना चाहें तो आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं। तो आप मेरा वीडियो पूरा एंड तक देखिए, और अगर अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर, कॉमेंट भी कीजिए। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे जो स्प्राउट्स लिया है उसे अच्छे से धो के साफ करके रखा है। ये 350 ग्राम्स है। सब्जी बनाने के लिए लगेगा एक बड़ा साइज का प्याज ऐसे बारीक कटा हुआ, एक बड़ा साइज का टमाटर ऐसे बारीक कटा हुआ, थोड़ा सा हरा धनिया और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। मसाले में लगेगा 1 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून राई यानी सरसों, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हींग, चीनी 1 टीस्पून और नमक स्वाद अनुसार। और इसे मैं बनाऊंगी रिफाइंड ऑयल में। सबसे पहले मैंने कुकर को गरम कर लिया है। इसमें मैं ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून ऑयल। तेल गरम होने के बाद इसमें मैं ऐड कर दूंगी राई यानी सरसों और जीरा। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी हींग। अगर आपको हींग पसंद नहीं तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। 10-15 सेकेंड्स बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी बारीक कटा हुआ प्याज को। प्याज को अभी तेल में थोड़ा सा फ्राई करना है। प्याज फ्राई हो गया है तो अब मैं ऐड कर दूंगी जिंजर गार्लिक यानी अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन को तेल में अच्छे से फ्राई करना है, ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। 3-4 मिनट इसको फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी बारीक कटा हुआ टमाटर। इसे तेल में 2-3 मिनट के लिए फ्राई करना है। 2-3 मिनट बाद टमाटो अभी सॉफ्ट हो गया है तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी सूखे मसाले। एक एक करके मैं ऐड कर दूंगी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, शक्कर यानी चीनी और नमक। अब इन सबको तेल में 5-6 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करना है। मसाले अब अच्छे से फ्राई हो गया है तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी स्प्राउट्स को। सब कुछ अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मसाले को मैंने स्प्राउट्स के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया है। थोड़ा सा नमक मैं अभी इसमें और ऐड कर दूंगी और इसे भी अच्छे से मिक्स कर दूंगी। सब कुछ अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी पानी। मैंने यहाँ पे 1.5 कप पानी का यूज़ किया है। आप अपने हिसाब से पानी का क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पानी को सबके साथ अच्छे से मिक्स करना है। और अब प्रेशर कुकर का लीड बंद करके इसे 3 या 4 सीटी होने तक पकने देना है। 4 सीटी हो गया है तो अब मैं इसे खोल रही हूँ। ये देखिए, स्प्राउट्स की सब्जी ऑलमोस्ट रेडी है सर्व करने के लिए। बस थोड़ा सा गार्निश करना बचा है। लास्ट में मैं इसमें ऐड कर दूंगी हरा धनिया और इसे मिक्स कर दूंगी सब्जी के साथ। अब ये बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए, तो मैं इसे सर्विंग बोल में ले लूंगी। ये देखिए, स्प्राउट्स की सब्जी बन के रेडी है। एकदम सिंपल रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाता है।
आप कुकर में बनाएंगे तो बहुत ही जल्दी बन जाएगा, और अगर आप कढ़ाई में बनाएंगे तो भी जल्दी ही बनेगा, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है उसमें। लेकिन ये बनाना एकदम ईजी है और बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी है। इसे रोटी या पराठे के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है, आप पाव के साथ भी इसे खा सकते हैं। और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।